दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अवार्ड्स में शामिल हुए सुमिल तौकीर खान, रूपाली गंगोली, आयशा सिंह, शिवांगी जोशी और अन्य टीवी सितारों ने इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड 2023 में भाग लिया और यह एक ग्लैमर शाम बन गई क्योंकि कई टीवी सितारों ने इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड 2023 का हिस्सा बनने के लिए कदम रखा। सबसे पहले बात करते हैं सुमिल तौकीर के बारे में। जी हां दोस्तों, एक बहू की छवि छोड़कर वो एक सुंदर ड्रेस में पहुंची जिसमें काफी खूबसूरत लग रही थी और इवेंट में पेप्राइज को पोज देते हुए नजर भी आई। वही शिवांगी जोशी ने अवार्ड्स में ग्रीन कलर की शानदार ड्रेस में जलवा बिखेरा। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अभिनेत्री जो अगली बार बरसाते में नजर आएगी। और शिवांगी रेड कारपेट पर अपने ग्लैमर अवतार से तहलका मचा दिया और वॉर्डिगन ड्रेस में क्यूट पोज देते नजर आई। नहीं मैम, सॉन्ग अंकित गुप्ता के साथ। हाँ, और अनुपमा यानी रूपाली गंगोली भी इस अवार्ड शो में हिस्सा लिया और रूपाली गंगोली हाफ व्हाइट साड़ी में दिखी और हमेशा की तरह आज भी मस्त लग रही थी। और वहीं गुम है किसी के प्यार में स्टार प्लस की आयशा सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने गाउन की जगह साड़ी पहनना चुना और वो पूरे सोने से झिलमिला उठी। मैम सामने 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 सेंटर सेंटर अबे सेंटर में मैडम, कैमरे में मैम, इधर सेंटर में सेंटर में। और दोस्तों, इन एक्ट्रेस में से आपकी कौन सी फेवरेट एक्टर है हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आपको आने वाली ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थोड़ा पीछे एक बार सॉन्ग सुना। वाह।